हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के मोस्ट एमपी 50 प्लस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वन लाइनर है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किस रंग का? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो किसने? रोमर ने ज्ञात किया था, रोमर नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है तो क्या है? समतल दर्पण। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसे बनते हैं प्रतिबिंब? अनंत बनते हैं। नेक्स्ट है, जो हवा का बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट है, हीटर का तार बना होता है किस धातु का? तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल का। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, कौन सी क्रिया के कारण? तो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है तेल। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, रॉकेट की गति आधारित है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है किसके द्वारा? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का कारण है क्या है? लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो किसके द्वारा? उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर, किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कौन सी है?
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, नाभि के विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट, विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है विद्युत धारा, तो एमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट, अदिश राशियां हैं कौन कौन सी है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां हैं कौन कौन सी है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। फ्रेंड्स, ये जितनी भी सदिश राशियां हैं उनको याद करने की एक ट्रिक भी है। क्या याद रखना आपको कि जितनी भी सदिश राशियां सब में व आता है। देखिए, इसमें त्वरण में व आया है, यहाँ पर बल में व है, विस्थापन में व दिख रहा है आपको, संवेग में व, तो जहाँ पर भी व आ रहा है वो याद रखना आपको सदिश राशि है, और बल में जो है वो व के स्थान पर ब आ जाएगा, तो इससे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो अणु है। नेक्स्ट है, परमाणु के तीन मौलिक कण हैं कौन कौन से है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, सर जे थॉम्सन ने की थी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज की थी, तो किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन होता है, कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन के लिए हम पी लिखते हैं और इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं, यानी कि प्रोटॉन धन आवेशित कण है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, आवेश रहित होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो किसने की थी पॉजिट्रॉन की खोज, एंडरसन ने की थी, किसने, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो कितना गुना होता है, 1836 गुना होता है। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पर होता है ऑक्सीकरण, तो एनोड पर होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, या इनको आइसोटोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम बोलते हैं समभारिक, यानी आइसोबार। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो जो उद्ग्रह यानी कि खड़े जो स्तंभ होते हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं, और जो आड़ी लाइन होती है आवर्त सारणी में उन्हें हम आवर्त बोलते हैं। तो नेक्स्ट है,
आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो मोसले ने किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है, तो जो खड़ी लाइन है वो कितनी है, यानी खड़े कॉलम से कितने हैं, तो टोटल 18 कॉलम है। कितने हैं? 18। और जो आड़ी लाइन से वो कितनी है, तो 7 है। ऐसे आड़े 7 कॉलम है और ऐसे खड़े कॉलम जो है वो टोटल 18 है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो टेफ्लोन के। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। नेक्स्ट, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है, किसके कारण? तो बेरियम के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 50+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।